I am Professor Noreen from Little Book of College. Welcome to the online classes. Today we will hear to start the online classes. The subject is Urdu. सबसे पहले अल्लाह ताला के नाम के साथ आगाज़ करते हैं और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। रब्बि इशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दते मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। रब्बि यस्सिर वत्वस्सिर वत्वम्मिर बिल ख़ैर। रब्बि ज़िदी इल्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। टुडे स्टूडेंट्स, हमने जिस सबक का आगाज़ करना है वो आपकी उर्दू की किताब सरमाया उर्दू से लिया गया है और सबक का नाम है लाहौर का जुग्राफिया। लाहौर का जुग्राफिया, जुग्राफिया से मुराद होती है उसका जो हदूद अरबा है, उसके जो तबई का दुखान है, उस हवाले से। तो सबक का आगाज़ करने से पहले हम जो है सबसे पहले मुसनफ़ का जो है हवाला देंगे। इसके सबक का जो मुसनफ़ है वो है, उसका नाम है सैयद अहमद शाह बुखारी पतरस। इसको पतरस भी कहते हैं और पतरस भी कहते हैं। पतरस इस वजह से कि इनके जो है अंग्रेज़ी के प्रोफेसर थे पतरस, इन्होंने अपना नाम उनके नाम के साथ मंसूब किया और पतरस के नाम से जो है वो मशहूर हुए। इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1898 है और जो सन वफात है वो 1958, ठीक है। और तारीख जो है इनका, उस हवाले से आपको बता दूं कि पतरस के नाम से 11 मज़मून जो हैं वो लिखे गए हैं। अहमद शाह को बहुत अहमियत हासिल हुई अपनी तख्लीकी सलाहियतों के हवाले से। इन्होंने मिजाक के अंदर बहुत ज़्यादा काम किया, जितना भी लिखा इसमें सामईन को और कारईन को जो है वो नादर मज़मून जो हैं वो फराहम किए। इनका ताल्लुक पेशावर से था और इनके वालिद थे एक वकील के मुंशी थे। ये तकरीबन एफए तक जो है वो पेशावर से ही जो है वहाँ पर इन्होंने क़याम पज़ीर किया और अपनी तालीम तक जारी रखी। इसके बाद वो लाहौर आ गए और लाहौर में आकर जो है इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में इंग्लिश के प्रोफेसर भी रहे और प्रिंसिपल के तौर पर भी काम करते रहे। यानी इनका जो अहम कारनामा है वो उर्दू में मिजाक निगारी है। अब मिजाक निगारी क्या होती है? मिजाक निगारी माशरे की मुनफरद हमाकतों का मुनफरद इजहार करना। मजाक या तंज, इसमें थोड़ा सा फ़र्क पाया जाता है, ठीक है। मजाक से मुराद ये होती है कि जब आप कुछ मसाइल को जो है वो इस अंदाज से लोगों के सामने पेश करें कि वो हंसने पर, कहकर लगाने पर मजबूर हो जाएं, जबकि तंज जो है उसको मनफी पहलू में जो है वो लिया जाता है, ठीक है। इसलिए मजाक निगारी जो है उसको लतीफ़ा गोई भी कह सकते हैं और मजाही अंदाज में पेश करना भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लाहौर का जो जोग्राफी है इसमें मुसनफ़ ने जो लाहौर के मसाइल हैं उसको मजाही अंदाज में इस तरीके से पेश किया कि ना सिर्फ मसाइल को उजागर किया है बल्कि कारीन को जो है हंसने का और मजाक का जो है पहलू भी फराहम किया। अब मुसनफ़ के तारों के बाद हम लोग जो है वो सबक के तारों पर आ जाते हैं कि सबक में जो है वो क्या क्या नुकात, अहम नुकात जो हैं वो शामिल हैं और मुसनफ़ ने जो है किन किन अहम नुकात को जो है वो मजाक का निशाना बनाते हुए जो है वो लोगों को जो है वो हंसने का या मालूमात उन तक पहुंचाने का जो है वो जरिया उनको फराहम किया है। उनमें सबसे पहले आ जाता जी लाहौर के जो संजीदा मसाइल हैं, इनमें है तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी। आप लोगों को पता है कि लाहौर की आबादी इस रफ्तार से बढ़ी है कि हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि दरिया के इस किनारे पर लाहौर वाक़ है कि दरिया के उस किनारे पर लाहौर वाक़ है। यानी कि जहाँ जहाँ तक हमारी नज़र पड़ती है या उसका जो है हम हदूद अरबा जो है मालूम करने की कोशिश करते हैं तो लाहौर के बाद भी लाहौर है और इसके बाद भी लाहौर ही है, ठीक है। तो इस पॉइंट को जो है इस नुक्ते को जो मुसनफ़ ने जो बड़ा मज़ाही अंदाज में जो है इस सबक में पेश किया है, आगे हम इसकी तफसील जो है पढ़ेंगे। दूसरा जो इसमें पॉइंट उठाया है, जो नुक्ता उठाया है वो है ज़रूरियाती ज़िंदगी की अदम वजूदगी। बढ़ती हुई आबादी के साथ साथ वसाइल की बहुत कमी है जिसकी वजह से मसाइल बढ़ गए हैं। आबादी को जितनी ज़रूरियात मिलनी चाहिए उस हिसाब से नहीं मिल रही, इसलिए जो है मुसनफ़ ने ज़रूरियाती ज़िंदगी की अदम मौजूदगी के नुक्ते को उठाते हुए बड़े मज़ाही अंदाज में पेश किया है। उसके बाद जो तीसरा नुक्ता है वह है सरकारी इदारों की नाअहली। ज़रूरियाती ज़िंदगी की अदम मौजूदगी के पीछे इदारों की नाअहली होती है। अगर इदारे अपना काम जो है वो बेहतर तरीके से सर अंजाम नहीं दे रहे तो जाहिर है कि बढ़ती हुई आबादी के साथ साथ जो है अदम जो
वसाइल हैं उनका जो है इस्तेमाल जो है वो अब बढ़ता चला जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है निकासी, आपके नाकिस इंतजाम मौजूद हैं, यानी कि जो बारिशों की वजह से जो है पानी वहाँ पर खड़ा हो जाता है, उसका कोई भी निज़ाम मौजूद नहीं है और लोग जो है वो बहुत सारे मसाइल का जो है वो शिकार होते हैं। इसके अलावा ज़राए आम तरफ का जो है वो कोई सिस्टम नहीं है कि उसको किसी तरीके से बढ़ती हुई आबादी के साथ साथ जो उसको कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा जो है लाहौर क्योंकि जो है वो बहुत बड़ा शहर है और हर कंपनी जो है अपने आप को मशहूर करने के लिए इश्तहारबाजी का जो है वो सहारा लेती है और आए दिन इसका इस्तेमाल जो है किया जाता है, जो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल का जो है वो बायस बनता है। इसके अलावा जो एंड पर जो है मुसन्निफ ने तलबा की इकसाम बयान की है। ठीक है, किसी भी माशरे के लिए जो तलबा होते हैं, जो तालीमी इदारे होते हैं और उसमें जो पनपने वाली जो है वो कौम होती है, वो तलबा होती है, उनकी मुख्तलिफ इकसाम को उजागर करते हुए जो है वो मुसन्निफ ने जो है वो उनकी जो कहने की उनकी कारकर्दगियाँ को उसके हवाले से मुख्तलिफ इकसाम में जो है वो तकसीम किया है। ठीक है, और इस सबक का जो माखज़ है वो पतरस के मज़मीन है, यानी कि जो ये सबक है लाहौर का जोग्राफिया ये पतरस के मज़मीन में से लिया गया है। जी बच्चों, सबक के तारफ के बाद जो हमने अहम नुकात डिस्कस किए हैं, तो आज हमने जो आगे सबक की जो रीडिंग के हवाले से जो स्टार्ट करना है वो है पेज नंबर 51 और पेज नंबर 52। ठीक है, इस हवाले से जो हम लोगों ने पहले जितने भी सबक पढ़े हैं इसमें जितने भी असबाब थे उसमें नुकात के हवाले से सबक को एक्सप्लेन नहीं किया गया। जस्ट सबक का मौजू होता है, उनवान होता है और फिर मुसन्निफ जो है उसके में अपने इजहार ख्याल करता है, लेकिन इस सबक में क्योंकि लाहौर के मुख्तलिफ मसाइल पर जो है वो मुसन्निफ ने जो है वो मज़ाही अंदाज में रोशनी डाली है तो इसके भी अहम नुकात हैं। तो अगर आप खुलासा लिखते वक्त भी जो है जैसे कि सबक में नुकात बनाए गए हैं उनको जो है अगर नुकात की शक्ल में उजागर करते हैं तो वो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पेज नंबर 51 और पेज नंबर 52 पर जो है आपकी हेडिंग वाइज या नुकात वाइज जो बातें बयान की गई हैं वो मैं आपके सामने बयान कर रही हूँ। पहली है तमहीर। ठीक है, तमहीर के बाद है मोहल्ले वकू, मोहल्ले वकू के बाद है हदू दरबा, उसके बाद है आबो हवा के बाद है ज़राए आमदरफ। ये पेज नंबर 51 और 52 को हम लोगों ने जो है वो रीडिंग करना है। तमहीद क्या होती है? तमहीद में बच्चों यहाँ पर बताया गया है कि इब्तिदा, स्टार्टिंग, शुरुआत। तमहीद के तौर पर सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूँ कि लाहौर को दरियाफ्त हुए अब बहुत अरसा गुजर चुका है, इसलिए दलाइल व बराहीन से, दलाइल व बराहीन के मतलब है यानी लॉजिकली जो है या सबूत के तौर पर जो है वजूद को साबित करने की जरूरत नहीं है, ये कहने की भी अब जरूरत नहीं है कि कुरे को दाएं से बाएं घुमाएं, कुरे कहते हैं ग्लोब को, हत्ता कि हमारा मुल्क आपके सामने आकर ठहर जाए। फिर फलां तूल बल्द और फलां अर्ज बल्द, तूल बल्द कहते हैं शुमाल से जनूब और अर्ज बल्द कहते हैं मशरिक से मगरिब। मकामे इनकता, मकामे इनकता का मतलब होता है जहां पर जो है वो कता किया जाता है। लाहौर को तलाश कीजिए जहां ये नाम कुरे पर मरकूम हो, यानी जहां पर ये नाम कुरे पर मौजूद होगा, लाहौर का मोहल्ले वकू जो है मलकू यहाँ, यानी जहां पर इसका वकू हुआ है वहीं पर इसका जो है वकू शुरू होता है। इस सारी तहकीकात को मुख्तसर मगर जामे अल्फाज में बुजुर्ग यूं बयान करते हैं कि लाहौर 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 ही है, अगर इसे पते से आपको लाहौर नहीं मिल सकता तो आपकी तालीम जो है वो नाकिस है और आपकी जहानत फातर है। यानी कि यहाँ पर मुसन्निफ ने मजाक के तौर पर इस पहलू को उजागर किया है कि अगर इस तमाम मालूमात के बाद भी अगर आप लाहौर तक नहीं पहुँच पाते तो फिर आपकी जो मालूमात हैं वो कमज़ोर हैं और आपकी जहानत भी जो है वो कमज़ोर है। ठीक है, उसके बाद बच्चों दूसरा पॉइंट है मोहल्ले वकू। मोहल्ले वकू के एक दो गलतफहमियां अलबत्ता ज़रूर रफा करना चाहता हूँ, मतलब दूर करना चाहता हूँ। लाहौर पंजाब में वाक़ है लेकिन पंजाब अब पंजाब नहीं रहा। पंजाब बच्चों इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर पांच दरिया बहते हैं। पंजाब इस पांच दरियाओं की सरजमीन में अब सिर्फ 4.5 दरिया बहते हैं। यहाँ भी मुसन्निफ ने जो है मजाक का पहलू उजागर किया है और जो पांचवा दरिया यानी दरियाए रावी है क्योंकि वहाँ पर जो है वो पानी अक्सर मौजूद नहीं होता, तो यहाँ पर जो उसने कहा है कि इसलिए इसको पंजाब कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो पांचवा दरिया है वो तो बहता ही नहीं है। ठीक है, इसलिए जो 4.5 दरिया बहते हैं और जो 19 दरिया है वो अब बहने के काबिल नहीं रहा। इसको इस्लाम में रावी ज़ईफ, रावी ज़ईफ का मतलब यानी रावी बूढ़ा हो चुका है और उसने जो बहने का शुगल है वो छोड़ दिया है। मिलने का पता यह है कि शहर के करीब दो पुल बने हुए हैं, इनके नीचे रेत में ये दरिया लेटा रहता है, बहने का शुगल अरसे से बंद है, इसलिए बताना भी मुश्किल है कि शहर दरियाए के दाएं किनारे पर वाकया है या बाएं किनारे पर वाकया है। ठीक है, यानी यहाँ पर भी मिजाह का पहलू मुसन्निफ ने उजागर करते हुए कहा है कि
जो दरिया के हम पता नहीं लगा सकते कि इसके मुहल्लबू के तौर पर कि दरिया के दाएं जाने भी लाहौर है या दरिया के बाने के नहीं, जहाँ जहाँ तक जो हमारी नज़र पड़ती है वो लाहौर के बाद भी लाहौर है और उसके बाद भी लाहौर ही है। लाहौर तक पहुँचने के कई रास्ते हैं लेकिन दो इनमें से बहुत मशहूर हैं, एक पेशावर से आता है और दूसरा दिल्ली से आता है। वस्ती एशिया के हमलावर पेशावर के रास्ते और यूपी के हमलावर दिल्ली, यानी लाहौर में एंटर होने के दो रास्ते हैं। पेशावर के हमलावर जो थे वो यूपी के हमलावर दिल्ली के रास्ते जो है वारद हुए। अपन जिक्र को यानी जो पहले आने वाले थे उसको अहले सैफ कहते हैं। अहले सैफ का मतलब है जो तलवारों से लड़ते थे, ठीक है, और गजनवी या वोरी तखलुस करते थे। और मोहर जक्र यानी जो बाद वाले हैं उनको अहले जुबान कहते हैं, ये भी तखलुस करते हैं और इसमें यदे तोला रखते हैं। यदे तोला का मतलब होता है महारत रखते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा तीसरा नुकता है या तीसरा पॉइंट है या तीसरी हेडिंग है वो है हदूद अरबा। अरबा कहते हैं चारों तरफ, चारों तरफ कहते हैं कि किसी जमाने में लाहौर का हदूद अरबा भी हुआ करता था लेकिन तलबा की सहूलत के लिए म्यूनसिपैलिटी ने इसे मंसूख कर दिया। म्यूनसिपैलिटी करते हैं जो मकामी हुकूमत है, जो लोकल गवर्नमेंट होती है, उसको उसने इसको मंसूख कर दिया। अब लाहौर के चारों तरफ भी लाहौर ही वाकया है और रोज बरोज जो है वो वाकया तर हुई, इसकी आबादी जो है वो तेजी से बढ़ती चली जा रही है। यानी जहाँ जहाँ जो है इसको इसकी अगर हम हदूद अरबा मालूम करने की कोशिश करें तो हमें लाहौर ही नजर आता है। इसलिए जो लोकल गवर्नमेंट है उसने इसका हदूद अरबा जो है वो मंसूख कर लिया है। माहरीन का अंदाजा है कि 10-20 साल के अंदर लाहौर एक सूबे का नाम होगा जिसका दारुल खिलाफा पंजाब होगा। यूं समझिए कि लाहौर एक जिस्म है जिसके हर हिस्से पर वर्म नमूदार हो रहा है, यानी जख्म नमूदार हो है, लेकिन वर्म जो है मवाद फासिल से भरा हुआ है। गोया ये तो सी एक आर्जा है, यानी ये जिस गुस्सत से जिस रफ्तार से बढ़ रहा है ये एक बीमारी है जो इसके जिस्म को लाहक है। यानी कि अगर इसकी आबादी को कंट्रोल ना किया गया तो लाहौर जो है वो सूबे की शक्ल इख्तियार कर जाएगा और पंजाब जो है इसका दारुल खिलाफा होगा।